रहे बीटी न्यूज़ बिहार। इस वक्त हम है बैरगाछी चौक में और हमारे पास में बैठे शमशाद भाई हैं, सरपंच का प्रत्याशी है पोखरिया पंचायत से। इनसे बात करेंगे कि क्या सोच कर इनका मुद्दा क्या है सरपंच प्रत्याशी का, और इनके वर्तमान में जो सरपंच थे किस तरह के थे उनके बारे में भी जानेंगे। सर, आप सरपंच में लड़ रहे हैं, क्या सोच के सरपंच में आप लड़ रहे हैं? हम सोच के ये सोच के लड़ रहे हैं कि जो कि पंचायत का विकास हो, जनता परेशान ना हो, थोड़ी थोड़ी मामला थाना पुलिस और झोल हो जाता है, उसमें थोड़ा मेहनत करे, रखे, समाज सुधरे, सुधार के रखे, यही सब। वर्तमान जो सरपंच में उसमें कोई कमी आपको दिखाई दिया जो आप सरपंच में फिर से लड़ रहे हैं? नहीं, उसके अंदर में 5 साल जो रहा हर वार्ड का जनता परेशान था, जो कि अररिया में वो आकर के बैठ जाते हैं, कोई भी मुद्दा होता है नज़रअंदाज कर देता है उसे। पढ़े लिखे नहीं है क्या वो? हाँ, पढ़े लिखे भी हैं, ये बात नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं, बाकी टाइम नहीं दे सकता है। पत्थर ले लेने में ले लिया जाके अररिया जहीं तहीं जहाँ जैसा होता वो अपना घूम फिर अपना करते रहता बेचारा। पंचायत की कोई दिशा दुशा वाला बात ही नहीं कभी भी। हाँ, सरपंच प्रत्याशी आपके हिसाब से पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज़रूरी है? ये पंचायत का हाकिम है, अभी पावर भी सरपंच का बढ़ा दिया है, देख रेख भी बढ़ा दिया, तो ऐसे में जनता को किस तरह के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, खासकर सरपंच के प्रत्याशी के बारे में? पढ़ा लिखा होना चाहिए जो कि हर मुद्दा की जानकारी भी हो, है ना। एक तो पढ़ा लिखा भी वैसा है, पढ़ा लिखा हमारे पंचायत के अंदर में रविंदर जी सरपंच महोदय था, लेकिन वैसा कर नहीं सका। थोड़ा सोच विचार भी वैसा होना चाहिए कैंडिडेट का जो कि जनता के पक्ष में रखे। कल जैसे कि सर्वे की टाइम आ रहा है, सरपंच ही वैसा अगर रहेगा ज़मीनी मुद्दा से जुड़ा वो हर काम करा सकता है। ज़मीनी विवाद को लेकर काफ़ी हत्याएं हो रही है, पुलिस थाना के अगर शिक्षित सरपंच रहेंगे तो ये सब नहीं हो पाएगा। शिक्षित रहेंगे तो ये सब मामला नहीं हो पाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि जितना से जितना बारी वोटों से जिताएं, बढ़िया से बढ़िया शमशाद जैसे प्रत्याशी को अपना जिताएं। धन्यवाद।